बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अजीज तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम जुमात नहम की उर्दू की किताब के सबक नंबर 9 का लेक्चर नंबर 1 हिस्सा अव्वल आपके सामने पेश करेंगे। इस सबक का नाम है इम्तहान, जिसको तहरीर किया है मिर्जा फरतुल्ला बेग ने। ये इक्तबास मिर्जा फरतुल्ला बेग की मशहूर व मारूफ किताब मज़ामीने फरहत से लिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने दो उनवानात का जिक्र करेंगे। सबसे पहले मिर्जा फरतुल्ला बेग का तारुफ आपके सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद आधे सबक की पढ़ाई की जाएगी, जबकि सबक का बकिया आधा हिस्सा आपके सामने दूसरी वीडियो में पेश किया जाएगा। मिर्जा फरतुल्ला बेग ने इस तंजो मजा से भरपूर सबक में इम्तहान की सूरत में तालीम और तदरीस की अहमियत को रोशनास करवाया है। तो अजीज तुलबा, आइए सबसे पहले हम मिर्जा फरतुल्ला बेग के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। आप दिल्ली में पैदा हुए और आपका सन पैदाइश 1883 था। आपने इब्तदाई तालीम मुकामी स्कूल से हासिल की और सेंट स्टीफन्स कॉलेज से बीए का इम्तहान पास किया। जमाने तालबे इल्मी से ही आपको क्रिकेट खेलने और ड्रामे देखने का शौक था। मुलाजमत के सिलसिले में 1907 में आप हैदराबाद रवाना हुए। मुलाजमत का आगाज हैदराबाद के एक हाई स्कूल की असिस्टेंट हेडमास्टरी से किया। कुछ अरसा बाद वहाँ की हाई कोर्ट में मुतरजम यानी के तर्जमा करने वाले मुकर्रर हुए। मुकाबले के इम्तहान में अव्वल रहे, जिसकी बिना पर फौरन स्पेशल मैजिस्ट्रेट मुकर्रर हुए और आला कारकर्दगी के बिना पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिए गए। हत्ता कि अपनी शबाना रोज मेहनत की बिना पर होम सेक्रेटरी के ओहदे जलीला पर फाइज हुए। उम्र भर मोजिस ओहदों पर फाइज रहे। आपने 1947 में हैदराबाद में वफात पाई और 64 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। आप एक मशहूर इंशा परदाज और नसर निगार हैं। मिर्जा साहिब का तर्ज तहरीर सादा और पुरलुत्फ है। वो बड़े शगुफ्ता अंदाज में लिखते हैं। दिल्ली की खास जुबान में लिखने में बहुत कम लोग इनका मुकाबला कर सकते थे। इन्हें बेजा बनावट से नफरत है, लेकिन जा बजा मजाक की चाशनी से तहरीर में लुत्फ पैदा कर देते हैं। इनके अक्सर मजामीन में भी इस्लाह का पहलू नुमाया होता है। रशीद अहमद सिद्दीकी के ये अल्फाज मिर्जा फरतुल्ला बेग के अस्लूब बयान की खसूसियात को चार चांद लगा देते हैं। फरत के अस्लूब की नुमाया खूबी फिक्रों का इख्तसार है। वो छोटे छोटे फिक्रों से रवान रवान इबारत का जादू जगाते हैं। फरत की तहरीरों में अस्लूब की यकसानियत मोजज़े की हद तक कायम रहती है। वो एक मजमून को जिस रंग में शुरू करते हैं, इसी रंग में अंजाम तक पहुंचाते हैं। एक मशहूर इंशा परदास की हैसियत से इनकी शोहरत का आगाज 1928 में हुआ। आपकी वजह शोहरत आपकी मजाहिया तहरीरें हैं। आपने मिर्जा आलम नशरा के नाम से मजामीन लिखने का सिलसिला शुरू किया और बहुत ही कम अरसे में इनकी जुबान दानी और मजाक का सिक्का चलने लगा। हैदराबाद की अदबी सरगर्मियों में भी मिर्जा के अदबी जोक को उभारा गया और बड़ी इस्तकामत बख्शी गई। आपके मशहूर मजामीन में नजीर अहमद की कहानी, फूल वालों की सैर, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और मजामीन फरहत वगैरह शामिल हैं। आप एक कादरुल कलाम शायर हैं और मेरी शायरी इनके कलाम का इंतखाब है। अब हम बढ़ते हैं सबक के दूसरे अहम उनवान की जानिब, जो कि सबक की पढ़ाई है। मजमून निगार बयान करते हैं, ना हुई गर मेरे परचों से तसल्ली ना सही, इम्तहान और भी बाकी हो तो ये भी ना सही। ये शेर मिर्जा गालिब के एक मशहूर शेर की पैरोडी है। असल में मिर्जा गालिब ने परचों की जगह लफ्ज मरने का इस्तेमाल किया था, यानी असल शेर ये था, ना हुई गर मेरे मरने से तसल्ली ना सही, इम्तहान और भी बाकी हो तो ये भी ना सही। मिर्जा फरतुल्ला बेग ने एक लफ्ज तब्दील करके शेर के पूरे मफहूम को ही बदल दिया है कि अगर मुमतहिन को मेरे परचों से तसल्ली नहीं होती, यानी मैंने जो कुछ भी अपने परचों में लिखा है वो मुमतहिन मानने को तैयार नहीं, तो कोई बात नहीं,
अगर वो मेरा मजीद इम्तहान चाहता है तो उसे चाहिए कि मेरे इस इम्तहान को जहन में ना रखे बल्कि मेरा कोई नया इम्तहान ले ले, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मजमून निगार मजीद फरमाते हैं, लोग इम्तहान के नाम से घबराते हैं लेकिन मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तहान में ऐसा क्या होता है? दो ही सूरतें हैं, फेल या पास। इस साल कामयाब ना हुए तो आइंदा साल सही। यहाँ पर मजमून निगार कह रहे हैं कि लोग तो बिला वजह ही इम्तहान से घबराते हैं। बहरहाल हर सूरत में इम्तहान के तो दो ही नतीजे सामने आएंगे, या फेल हो जाना या पास हो जाना। तो इस सूरत में घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस साल ना कामयाब हो सके तो आइंदा साल बहुत से मौके आएंगे जिसमें इंसान कामयाब हो जाता है। आगे मिर्जा फरीदुल्लाह बेग कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता कि जो जो इम्तहान के दिन करीब आते जाते इनके हवास, इनका दिमाग मख्तल और इनकी इतनी सी सूरत निकल आती। बंदे पर इम्तहान का रत्ती बराबर असर पहले था और ना अब, इसके खत्म हो जाने का अफसोस है। उम्मीदवारों का मजमा, नई नई सूरतें, अजीब अजीब ख्यालात, ये ऐसी चीजें हैं कि जिनसे दिल कभी सैर नहीं होता। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तहान हो जाए लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए। यहाँ पर वो अपने दोस्तों और हमजमातों के तासुरात बयान कर रहे हैं कि जैसे जैसे इम्तहानात करीब आते जाते इनकी परेशानी से हालत और तबीयत खराब हो जाती और वो बेकरार हो जाते, लेकिन मजमून निगार पर इसका थोड़ा सा भी असर ना होता। उनके मुताबिक वो तो सारी उम्र इम्तहान दे सकते हैं लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त के बगैर। मिर्जा फरीदुल्लाह बेग मजीद फरमाते हैं कि मेरी सुनिए कि दो साल में लॉ क्लास का कोर्स पूरा किया, मगर किस तरह, शाम को यारों के साथ टहलने निकलता, वापसी के वक्त लॉ क्लास में झांक आता, मुंशी साहिब दोस्त थे और लेक्चरार साहिब पढ़ाने में मुस्तगरिक, हाजिरी की तकमीन में कुछ दुश्वारी पेश न आती थी। अब आप ही बताएं कि लॉ क्लास में शरीक होने से मेरे किस मशगले में फर्क आ सकता था। यहाँ पर मजमून निगार अपनी लॉ क्लास यानी के कानून की जमात के कोर्स के पूरा होने की कहानी बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं, मुंशी साहिब दोस्त थे इसलिए हाजिरी लगा दिया करते थे और लेक्चरर साहिब पढ़ाने में इतने डूबे होते थे कि उन्हें पता ही नहीं होता था कि जमात में कौन आया है और कौन नहीं। इसी तरह क्लास के बहाने वो दोस्तों के साथ टहलते रहते। आगे देखिए, वालिद साहिब किबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक हो चला है, किसी जमाने में बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा। हम भी बेफिक्र थे कि चलो दो बरस तक कोई मेहनत के लिए कह ही नहीं सकता, बाद में देखिए कौन जीता है और कौन मरता। लेकिन जमाना आंग बंद किए गुजर जाता है। दो साल ऐसे ही गुजर गए जैसे हवा। लॉ क्लास की सिताकत नामा भी मिल गया। अब क्या था, वालदैन इम्तहान वकालत की तैयारी के लिए सर हो गए, मगर मैं भी एक जाते शरीफ हूँ। एक बुढ़िया और एक बूढ़े को धोखा देना क्या बड़ी बात है। मैंने तकाजा किया कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूँ, बाल बच्चों की गड़बड़ में मुझसे कुछ नहीं हो सकता। चंद रोज इसी हीले से टाल दिए लेकिन ताबके। यहाँ पर मजमून निगार कहते हैं कि मेरे वालिद साहिब खुश थे कि उनके बेटे को पढ़ने का शौक है, इसलिए मैं एक बड़ा वकील बन जाऊंगा। यहाँ पर कान कतरने से मुराद है सबकत ले जाना, बाजी ले जाना। इसी तरह दो साल जल्द ही गुजर गए और मुझे लॉ क्लास का सर्टिफिकेट, सदाकत नामा यानी कि सबूत का खत मिल गया। अब क्या था कि वालदैन जो है ना मेरी पढ़ाई के लिए तैयार हो गए और मैंने पढ़ाई के लिए एक अलहदा कमरे का मुतालबा किया। चंद रोज इसी बहाने से टाल दिए लेकिन ये काम कब तक हो सकता था। बड़ी बी ने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया। अब मैं दूसरी चाल चला, दरवाजों में शीशे थे इन पर कागज चिपका दिया, लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे से सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। अगर किसी ने आवाज दी और आंख खुल गई तो डांट दिया कि ख्वामखा मेरी पढ़ाई में खलल डाला जाता है। अगर आंख ना खुली और सुबह को सोने का इल्जाम लगाया गया तो कह दिया कि मैं पढ़ते वक्त कभी जवाब ना दूंगा, आइंदा कोई मुझे दिख ना करे। बास वक्त ऐसा हुआ कि लैंप बढ़क कर चिमनी स्याह हो गई और मेरी ज्यादा महवियत और मेहनत का नतीजा समझी गई।
बास वक्त वालिद वालदा कहते भी थे कि इतनी मेहनत ना किया करो, लेकिन मैं जमाने की तरक्की का नक्शा खींच कर उनका दिल खुश कर देता था। खुदा खुदा करके ये मुश्किल भी आसान हो गई और इम्तहान का जमाना करीब आया। यहाँ पर मजमून निगार अपनी तहरीर में तंजो मजाक को शामिल करते हुए बयान करते हैं कि जब उनको सोने का कमरा खाली कर दिया गया तो उन्होंने चाहा कि अब दूसरी रुख पे चलें। दरवाजों में शीशे थे, उन पर उन्होंने कागज चिस्पा कर दिए। लैंप रोशन करके खुद तो सो जाते, लेकिन बाहर से ऐसा महसूस होता कि जैसे वो पूरी रात पढ़ाई करते रहे हैं। अगर बाहर से कोई आवाज लगाता तो आगे से ये जवाब दिया जाता कि मैं पढ़ाई के वक्त कोई जवाब नहीं दूंगा, लिहाजा कोई भी मुझे तंग ना करे। आखिरकार खुदा खुदा करके इम्तहान का दिन भी करीब आ ही गया। आगे देखिए, मैंने घर में बहुत कहा कि अभी मैं इम्तहान के लिए जैसा चाहिए वैसा तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी मुसलसल हाजिरी, लॉ क्लास और शुबाना रोज मेहनत ने उनके दिनों पर सिक्का बिठा रखा था। वो कब मानने वाले थे, फिर भी एहतियातन अपने बचाव के लिए इनसे कह दिया कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी, क्योंकि मैं अपने आप को अभी इम्तहान के काबिल नहीं पाता। लेकिन वालिद साहब मुस्कुराकर बोले कि इम्तहान से क्यों डरे जाते हो, जब मेहनत की है तो शरीक भी हो जाओ, कामयाबी और नाकामी खुदा के हाथ में है। यहाँ पर वो फारसी का एक मकोला पेश करते हैं, मर्द बौयत के हरासा न शोद। मैंने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा लेक्चर देकर साबित कर दिया कि तदबीर कोई चीज नहीं, तकदीर से ही दुनिया के तमाम काम चलते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि जब इम्तहान के दिन करीब आए तो मैंने वालिद साहिब से कहा कि अभी मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, मगर वालिद साहिब बोले कि तुमने मेहनत की है इसलिए इम्तहान में शिरकत जरूर करो, कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह के हाथ में है। यहाँ पर मजमून निगार ने फारसी जुबान का मशहूर मिसरा बयान किया है, इसका मतलब है कि मर्दों को परेशान नहीं होना चाहिए। असल में हमारे माशरे में मर्दों को ताकतवर ख्याल किया जाता है और मर्दों से उम्मीद रखी जाती है कि वो हर काम कर सकते हैं। यही ख्याल मजमून निगार ने अपने मजमून में बांधा है कि मर्दों को किसी भी इम्तहान के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। अजीज तुलबा, पढ़ाई का अगला हिस्सा देखिए। किस्सा मुख्तसर, दरख्वास्त शिरकत दी गई और मंजूर हो गई, और एक दिन वो आया कि हम हॉल टिकट लिए हुए मुकाम इम्तहान पर पहुंच ही गए। को याद नहीं किया था, लेकिन दो वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। अव्वल तो इमदाद गैबी, दूसरी पर्चों की उलट फेर। शायद वो हजरात जो इम्तहान में कभी शरीक नहीं हुए इस मजमून को ना समझे, इसलिए जरा वजाहत से अर्ज करता हूँ। इमदाद गैबी से मुराद उम्मीदवाराने इम्तहान की इस्तलाह में वो मदद है जो एक दूसरे से या किसी नेक जात निगराने कार से या अंदुल मौके किताब से पहुंच जाती है। पर्चों की उलट फेर गो बज़ाहिर मुश्किल मालूम होती है, लेकिन तकदीर सब कुछ आसान कर देती है। बाज़ शरीफ कम हैसियत मुलाजिम ऐसे भी निकल आते हैं जो बाउम्मीद इनाम पर्चा बदल देते हैं। ये जरूर है कि इससे एक मेहनत करने वाले को नुकसान पहुंच जाता है, लेकिन तदबीर और तकदीर का मसला जैसे इस कार्रवाई में हल होता है, दूसरी किसी सूरत में हल नहीं होता। इसके अलावा और भी सूरतें हैं, लेकिन वो बहुत कम पेश आती हैं, इसलिए इन पर भरोसा करना नादानी है। यहाँ पर मजमून निगार अपने इम्तहान के मुकर्रा दिन का नक्शा खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने इम्तहान में शिरकत की शामिल होने की दरख्वास्त दी जो कि कबूल कर ली गई। जब मैं कमरा इम्तहान में पहुंचा तो मुझे दो चीजों की उम्मीद थी, एक तो इमदाद गैबी यानी कि गैब से मदद का आना, पोशीदा मदद, छुपी हुई मदद, या फिर पर्चों का आगे पीछे करना। उनके मुताबिक या तो कोई शरीफ निगरान मुझे पर्चा हल करवा देगा, या किसी कम हैसियत मुलाजिम को इनाम का लालच देकर अपना पर्चा ही किसी दूसरे तालबे इल्म से तब्दील करवा दूंगा। यानी कि अगर कुदरत की तरफ से आसानी हो तो हर काम आसान हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सी सूरतें बयान करना चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि इन पर भरोसा करना बेवकूफी है, नादानी है। अजीज तुलबा आगे देखिए, खैर आमद में बरसरे मतलब पौने 10 बजे घंटी बजी और हम बिस्मिल्लाह कहकर इम्तहान के कमरे में दाखिल हुए। यहाँ एक बहुत खलीक और हंसमुख निगराने कार थे, मुझे जगह नहीं मिलती थी। मैंने इनसे कहा कि वो मेरे साथ हो लिए।
जगह बताई और बड़ी देर तक हंस हंस कर बातें करते रहे। मैं समझा चलो बेड़ा पार है, अल्लाह दे और बंदा ले। ठीक 10 बजे पर्चा तकसीम हुआ। मैंने पर्चा लिया, सरसरी सी निगाह डाली और मेज पर रख दिया। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि पर्चा पढ़ने के बाद जैसा मेरे चेहरे पर इत्मीनान था, शायद ही किसी के चेहरे पर होगा। खुद तो इस पर्चे के मुतालिक अंदाजा ना कर सका, लेकिन निगराने कार साहिब को ये बात कहते जरूर सुना कि पर्चा मुश्किल है। मैं कई मरतबा अव्वल से आखिर तक इसको पढ़ गया, लेकिन ये मालूम ना हुआ कि ये किस मजमून का है। यहाँ पर आमदम बरसर मतलब से मुराद है मतलब की बात पर आना। वो कहते हैं कि खैर हम मतलब की बात की तरफ आते हैं कि जब हम इम्तहान के कमरे में दाखिल हुए तो वहां पर एक बहुत ही अच्छे निगरान कार यानी के पर्चा लेने वाले मौजूद थे। मुझे अपने बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। मैंने इसकी बाबत निगरान कार से पूछा तो वो मुझे खुद ही अपनी जगह पर छोड़ आए। मैंने समझा कि ये शरीफ आदमी है और जरूर मेरे लिए आसानियां फराहम करेंगे। पर्चा तकसीम हुआ तो सारा पर्चा पढ़ने के बाद भी मुझे ये ना पता चल सका कि किस मजमून का पर्चा है, लेकिन मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा इत्मीनान था। यहाँ पर इत्मीनान की वजह उनका गैबी मदद या फिर पर्चों का आगे पीछे करने पर भरोसा करना है। तो अजीज तुलबा, आज के इस लेक्चर में आपने देखा कि मिर्जा फरतुल्ला बेग ने किस तरह मजाहिया अंदाज में तंज करते हुए एक ऐसे तालिबे इल्म का जिक्र किया जो कि सिर्फ दिखावे की पढ़ाई के जरिए लोगों को मुतमईन करता है। दर हकीकत वो कोई पढ़ाई नहीं करता, बल्कि उसकी नजर में इम्तहानात की बिल्कुल कोई अहमियत नहीं होती, जबकि कमरा इम्तहान में हमेशा गैबी इमदाद का मुंतजर रहता है और हमेशा नाजायज जराए से कामयाबी के हसूल का ख्वाहिशमंद रहता है। यहाँ पर मिर्जा फरतुल्ला बेग तालबे इल्मों को एक इस्लाही पैगाम दे रहे हैं कि इम्तहान में कामयाबी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती मेहनत और लगन ही दरकार होती है, इसके बगैर किसी भी इम्तहान में कामयाबी मुमकिन नहीं। तो अजीज तुलबा, उम्मीद है आपने आज के लेक्चर में शामिल उनवानात यानी मिर्जा फरतुल्ला बेग का तारुफ और सबक की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और इस खूबसूरत तहरीर का लुत्फ भी उठाया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।